तो दोस्तों आज भारत और रूस को लेकर एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है और जल्द ही भारत कुछ ऐसा काम करने जा रहा है जिससे अमेरिका को 440 वोल्ट का झटका लगेगा। दरअसल आप सभी को आज से कुछ महीने पहले की बात याद होगी जब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को $450 मिलियन का फंड किया गया था ताकि पाकिस्तान के पुराने F-16 जहाजों को अमेरिका अपग्रेड कर सके। परंतु जब इस पूरे मामले के ऊपर भारत ने अमेरिका से सवाल पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि पाकिस्तान इन जहाजों का उपयोग हमारे खिलाफ करेगा, तो अमेरिका ने भारत से कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ बहुत पहले सौदा किया था और उस सौदे के तहत हमको मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए पाकिस्तान की मदद करनी ही पड़ेगी। परंतु यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने F-16 को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका को एक फूटी कौड़ी नहीं दी और अमेरिका खुद अपने जेब से पैसे लगाकर पाकिस्तान के जहाज अपग्रेड कर रहा था। परंतु आज भारत ने अमेरिका के साथ जैसे को तैसा किया है और भारत और रूस के बीच में भी बहुत पहले का एक एग्रीमेंट है जिसके तहत रूस की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए कुल मिलाकर 272 की संख्या में Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट रूस ने भारत के HAL के माध्यम से भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनवाए थे। और इस प्रोग्राम में अभी एक ही साल पहले भारत ऐसा प्लान कर रहा था कि हम लगभग 33 की संख्या में फाइटर जेट लेंगे जो कि 10,000 करोड़ की कीमत में आएंगे, जिसमें 21 की संख्या में MiG-29K और इसके अलावा 12 की संख्या में Sukhoi-30 MKI को भारत खरीदने वाला था। परंतु फिर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हो गई और इसके बाद में भारत और रूस के बीच में जो डील थी वो स्थगित कर दी गई थी। परंतु आज भारत की तरफ से खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत का HAL इंडियन एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए 12 नए Sukhoi-30 MKI फाइटर जेट के ऊपर रूस के साथ फिर से बातचीत करने वाला है और यह जो डील है वो आगे चलकर 2023 में कंप्लीट हो सकती है, जहां पर रशिया की तरफ से Sukhoi-30 MKI को पार्ट्स बाय पार्ट्स किट के रूप में भारत पहुंचाया जाएगा, जहां पर भारत के वैज्ञानिक इसको असेंबल करके फाइटर जेट का निर्माण कर देंगे। और इस पूरी डील के ऊपर अमेरिका चाहकर भी भारत को कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान के F-16 को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान का पुराना समझौता था, वैसे ही भारत और रूस के बीच में भी Sukhoi-30 MKI को लेकर समझौता है। फिलहाल में भारत ने जो कूटनीतिक माध्यम से अमेरिका को जवाब दिया है उसके ऊपर आप सभी की क्या राय है कमेंट बॉक्स में। फिर आवश्यक जगह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।